हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजसर करे जो प्रिंटी फोर एंड मित्रा में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 10+2 लेवल का 24 अक्टूबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि मॉर्निंग को जिसका भी एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का आंसर मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको कम समय में आपको पूरे क्वेश्चन का आपको यहाँ पर जो है आंसर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा और जो भी चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको राजस्थान गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या फिर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन हो स्टूडेंट से रिलेटेड तो आपको उसकी अपडेट्स लगातार सही समय से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो पहला क्वेश्चन है, राजपत्रित अवकाश। ठीक है, तो ये क्या है, किस प्रकार का अवकाश है, आपको यहाँ पर बताया गया कि इंग्लिश वर्ड में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्ट हॉलीडे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है जिसमें पूछा गया है कि चूज द मोस्ट अपॉर्चुनिटी गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इसका मैं आपको जो क्वेश्चन बोल लेता हूँ, एक पर्सन हु इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट और वर्क ऑफ आर्ट इन म्यूजियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कैरिक्यूडलस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको इसका जो ऑप्शन है मीनिंग बताना है कि आपको डीसी वैलिड का मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिटिव मीनिंग क्या होता है, इसका विलोम शब्द क्या होता है। तो आपको यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें सी हो जाएगा, टी डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में आपको यहाँ पर सी ऑप्शन है। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि धन की राशि में आपको यहाँ पर बोले कुल राशि क्या है। ठीक है, आपको राशियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, कुल राशियों की कुल राशि क्या थी। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 4420 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, जिसमें एक मोटरसाइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 परिक्रमण लगाता है, तो उसकी पहिया का व्यास सेंटीमीटर में कितना होगा। तो पांचवें में आपको यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं, आपको यहां पर अमन 40,000 के साथ एक व्यापार शुरू करता है। ठीक है, और 4 महीने के बाद भानु 20,000 रुपये के साथ अपना जो है अमन के साथ जुड़ जाता है, तो 1 वर्ष के अंत में दोनों का लाभ अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो इसमें अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको यहाँ पर 3:1 हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर स्थित एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित में से का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है दोबारा रिपीट हो चुका है, अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, दूर की चीजें आपको साफ देख सकते हैं। जल जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम में जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो किस तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, यह अब भी लंब से दूर मुड़ जाती हैं, सी ऑप्शन है। 10वां क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। ठीक है, तो 10वें में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, -2D। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है जिसमें आपका 11वां क्वेश्चन है, तुम रात को कब सोते हो, तो इसको आपका हिंदी को इंग्लिश में बनाना है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 12वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा गया है कि चूज द मोस्ट अपॉर्चुनिटी गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो रिपोर्टेड आपको यहाँ पर लिखना है, रीड फॉर द योरसेल्फ इफ यू डोंट बिलीव व्हाट यू से ही टोल्ड मी। ठीक है, तो इसका आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन है, ही टोल्ड मी टू रीड इट एज डिडंट टू बिलीव व्हाट ही से। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आपको यहाँ पर जाते हैं खालिस्तान को भरना है। ठीक है, रीता डिडंट सी मी वे टू हर ही इन द अदर डायरेक्शन। ठीक है, तो 13 में आपको यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन वाज लुकिंग इन द अदर डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर जैसे पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन एम पावर को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है, तो 14 में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, IFD के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, जिसमें पूछा गया है कि राजस्थान राज्य खाद्य नागरिकता आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 15 में आपका यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2010 में की गई थी। 16वां क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है कि दिए गए समीकरण में अपचयक
रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक हैं, ठीक है। तो 16 में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, CO, ठीक है, CO आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है किसी कार्य को पूरा करने हेतु एक दिन में 12 घंटे का कार्य करके 15 मिनट 10 मिनट का समय लगता है, 10 व्यक्ति हैं उसको 10 दिन का समय लगता है, तो उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 10 व्यक्तियों को एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए, ठीक है। तो 18 में आपका डी ऑप्शन आएगा, 9 घंटे काम करना होगा एक दिन में, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 19वां क्वेश्चन को छोड़ते हैं और चलते हैं 20वां। तो इसमें आपको यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, तो आपका यहाँ पर जो 21वां क्वेश्चन को छोड़ते हैं और चलते हैं 22वां क्वेश्चन, जिसमें 22वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पर निर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, निर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें आपको यहाँ पर नि प्लस अर्थक हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है सु प्लस उक्ति का संधि विच्छेद होगा, ठीक है, संधि होगी, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर कौन सी है, सु प्लस उक्ति, सुक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर जो 23वां क्वेश्चन है इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या फिर गोल्डन गर्ल्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो 24वां आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी, पीटी उषा को कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, नमस्ते योजना निम्नलिखित समूहों में से किस कर्मियों से संबंधित हैं, तो इसमें आपको स्वच्छता कर्मियों से हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम या फिर विषय क्या था, ठीक है, तो इसमें आपको 26वां क्वेश्चन है तो इसमें हो जाएगा कार्य करते समय अपने नेत्रों को स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला किस से शुरू होता है, ठीक है, तो बराबर से आपका यहाँ पर शुरू होता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन को जो लेआउट को नियंत्रित या फिर स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है, ठीक है, तो इसमें आपका जो 28वां क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेस होल्डर, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, तो इनपुट डिवाइस आपका प्रोजेक्टर नहीं होगा, 29वां में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद 30वां क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है मिलान करना है, ठीक है, स्टूडेंट्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, शब्दकोश आपको निम्नलिखित सर्वाधिक उपयुक्त चिन्ह का आपको चयन करना है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको यहाँ पर इसका ध्यान रख लेना है, ठीक है, तो आपको मिलान करना है, तो आपको 30वां जो क्वेश्चन है डायरेक्ट में इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, 11342, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सबसे पहले अक्षर कौन सा आएगा, ठीक है, सबसे पहले ये आ जाएगा फर्स्ट वाला, उसके बाद आपको यहाँ पर फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है, तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर आ जाएगा तीसरा वाला, ठीक है, और लास्ट में आपका सेकंड, ठीक है, तो इस तरह से आप मिला करेंगे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है जिसमें हम बात करते हैं 31वां क्वेश्चन में, तो 5 छात्रों ने छात्रवृत्ति परीक्षा में हिस्सा लिया और सुमन को प्रीति से अधिक अंक मिले, कोमल को सुनीता से कम अंक मिले, लेकिन वे सुमन के अंकों से अधिक रहे हैं, मानसी को प्रीति और सुमन द्वारा प्राप्त अंकों के मध्य अंक मिले हैं, परीक्षा में सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए हैं, तो 31वां में सबसे कम अंक आपको मिले हैं, किसको मिले हैं, प्रीति को मिले हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर 33वां क्वेश्चन पूछा गया है, 8 व्यक्ति इस तरह इस क्रम से गोलाकार मेज के चारों ओर सम्मेलन के केंद्र में मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आई आर से एस के बीच में कौन बैठा है, ठीक है, आई आर एल एम एस के बीच में बैठा है, तब एम के बगल में कौन दाहिनी ओर बैठा है, ठीक है, तो तब एम के बगल में कौन दाहिने ओर बैठा है, यानी कि एम के दाहिने ओर कौन बैठा है, ठीक है, तो ये आपको पूछा गया है, तो 32 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
क्यों बेटा है बगल में, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसलमेर का प्राचीन नाम फिर रिपीट हो चुका है, पहले शिफ्ट में था 22 तारीख को मांड, ठीक है, मांड आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी गद्य और पद्य की विधाओं में से में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति राजवंश की उपलब्धियों घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं वो क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो 34 में आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा विगत, ठीक है, क्या हो जाएगा विगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर गीदड़ नृत्य किससे राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, गीदड़, गीदड़ आपका यहाँ पर हो जाएगा 35 में आपका जो राइट आंसर है क्या होगा शेखावाटी, ठीक है, गीदड़ कौन सा क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य। हम और इसके बाद आपको यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन आया है तो 36 को छोड़ते हैं, 37 को छोड़ते हैं, 38वां क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो 38 में आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर दे सकते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करना है फॉर ऑल द कमिटी मेंबर एग्री तो विथ आपको यहाँ पर हो जाएगा विथ, ठीक है, विथ वन अनदर, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ए नहीं होगा, इसमें आपका बी होगा फोर अनोदर, ठीक है, फोर अनोदर आएगा इसमें 38 में आपका फोर हो गया, ठीक है। और इसमें आपका 39 में आएगा सम वन द फॉलोइंग द निर्मल वर्कशीप टू द अप्रोचिंग फोर ऑफ द ऑप्शन बिलो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं निर्गुण उपासन का अनुयायी था, सबसे उपयुक्त चिन्ह आपको यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है, निर्गुण उपासन का अनुयायी था, ठीक है। तो 39 में आपका दादू दयाल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां जिसमें आपसे मिलान करना है, ठीक है, मिलान करेंगे तो इसमें आपका जो राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि बेणेश्वर कहाँ पर है, बेणेश्वर आपको यहाँ पर डूंगरपुर में हो जाएगा, ठीक है। केला देवी कहाँ पर है, केला देवी करौली में हो जाएगा सेकेंड है, ठीक है। जीर्ण माता कहाँ पर है, जीर्ण माता सीकर में हो जाएगी, ठीक है, जीण माता सीकर, हाँ सीकर में हो जाएगी। और ये बाकी का आपको यहाँ पर डिग्गी कल्याण जी टोंक में हो जाएगा। तो इस तरह से मिलान करेंगे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम झालावर में है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो कथन एक है काली मिट्टी राजस्थान के कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में पाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होता है परंतु कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका 42वां है, तो इसमें आपका जो कथन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा है, कथन वन सत्य है किंतु कथन सेकेंड गलत है, ठीक है, कथन नंबर एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43वां नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपका यहाँ पर पूछा गया है क्या IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 43 में आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स थर्ड जनरेशन आपका यहाँ पर ए ऑप्शन में है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 में बात करते हैं प्रोसेसर की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती हैं, तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। रैम के संबंध में कौन सही है, ठीक है, रैम के संबंध में कौन सा शब्द सही है, तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा वोलेटाइल टेम्परेरी, ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रशाला कला विधि निम्नलिखित किस स्थान में स्थित है, चित्रशाला, ठीक है, तो इसमें 46 में आपको यहाँ पर हो जाएगा बूंदी, चित्रकलाओं के लिए बूंदी प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी आपकी चेनाब नदी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां जिसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला से शिवालिक की श्रेणियाँ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दूसरी या फिर सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है, IBM 7030, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना है, प्रथम राज्य कौन सा बना है, तो हमारा राजस्थान ही बना है, ठीक है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान बजट किसने प्रस्तुत किया है, ठीक है, तो कौन करता है, तो हमारे यहाँ पर दिव्या कुमारी, ठीक है। तो 51 में आपका यहाँ पर हो जाएगा दिव्या कुमारी हो जाएगी, ठीक है, और वित्त मंत्री इसका करते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन थे, ठीक है, मुख्य चंद्रकांत सोमपुर, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 53
2024 लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, तो 53 में आपको यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजीव कुमार चुनाव आयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता धूल गोड या ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती है? ताम्र नगरी का बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, आपके ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ चुका है, तो ताम्र नगरी हम कहते हैं आहार सभ्यता को। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 55 में पूछा गया है, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य कौन सा है? ठीक है, तो असत्य डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ 55 में। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कालीसिंह में जुताई वाले खेत का परिणाम नहीं मिला है, बिल्कुल यहाँ पर मिला है। ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनेकार्थ शब्द का अक्षर का अर्थ है, अक्षर अनेकार्थ शब्द अक्षर का अर्थ क्या है? ठीक है, अक्षर का अर्थ हो जाएगा आपका वर्ण हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है 56 में। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे सकते हैं 57वां क्वेश्चन है, अब्ज के लिए संगत का अर्थ होगा। ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो इसमें अब्ज अब्द अब्द बादल। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब्ज कमल और अब्द नहीं बादल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58वां क्वेश्चन, उसने कुछ नहीं खाया कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, इसमें सर्वनाम आपको बताना है 58 में, तो इसमें आपका कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक। ठीक है, उसने कुछ नहीं खाया, अनिश्चयवाचक है 58 में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज स्थापित, ठीक है, पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, पंचायती राज आपको यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है 59 में। ठीक है, 59 में आपको यहाँ पर हो जाएगा डी। और इसके बाद नेक्स्ट है आपको यहाँ पर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत संगठन करने और उन्हें स्व शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति है? ठीक है, तो आवश्यक शक्ति प्रदान की गई है कौन से अनुच्छेद के तहत? ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, अनुच्छेद होगा आपका 40, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, 61 में आपका पूछेंगी, उस एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालक कंप्यूटर गेम के खेलों या फ्लाइट के प्रशिक्षण अनुरूपों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो 61 में आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा जॉयस्टिक कहलाता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 62वां क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो 62वां क्वेश्चन है, किस रेफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रेफरेंस नहीं बदलता है? ठीक है, तो 62 में आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एब्लोलूट रेफरेंसिंग में। ठीक है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर की लघुतम डाटा यूनिट है? ठीक है, लघुतम डाटा यूनिट कौन सी है? ठीक है, तो इसमें आपको निबल इसमें आप राइट आंसर हो जाएगा। 63 में आपको यहाँ पर जो राइट आंसर कौन सा होगा, निबल हो जाएगा। ठीक है, निबल से बाइट होगी, बाइट से के बी और काई बी से जी बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केतली बांसियाला संरक्षण रिजर्व राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है? खेजली बांसियाल झुंझुनू में है क्या? ठीक है, तो आपको यहाँ पर 64 में आपका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही है, झुंझुनू इन्होंने सही करके आया है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर चंबल, इसमें ऑप्शन के हिसाब से चंबल है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपका पूछा गया है मीनिंग द अंडरलाइन, ठीक है, इन जीनियस का आपका यहाँ पर सेक्रेट आकार हो जाएगा। ठीक है, तो 66 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, नेवी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका 66 में हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो 67वां क्वेश्चन है कुछ छोड़ते हैं, 68 में देखते हैं, फॉलोइंग द फॉल्ट सॉल्यूशन विटामिन, ठीक है, तो आपको वसा में घुलनशील पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो 68 में आपको यहाँ पर जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है, सी विटामिन ए होता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यौगिक IUPAC का नाम क्या है? ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर जो 69 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2-propyne हो जाएगा, 2-propyne आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थाई फुलेरिन है, तो इसमें आपको यहाँ पर C16 हो जाएगा, C16, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है सी ऑप्शन, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट है 72वां क्वेश्चन, राजस्थान की
कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ी मुख्य बाधा कौन सी है, 72 में आपको वर्षा की अनियमितता अनिश्चितता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित से किस वर्ष में मुद्रा के विमुद्रीकरण की घोषणा की गई है, तो 73 में आपका सी ऑप्शन 2016 में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, 74 में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो प्रदेशों का चुनाव 75% मतदाताओं ने अपना मतदान दिया, जिसमें 41% मतदान अवैध पाए गए, एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त हुए, तो कुल वैध मत का 75% है, तो उस चुनाव में कुल नामांकन मतदाताओं की संख्या कितनी है, ठीक है। मतदाताओं से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्शन से, तो आपको 75 में आपका जो राइट आंसर होगा कितने होगा, 17150, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से एक नियत राशि 3 वर्षों में 2286 तथा 4 वर्षों में 2448 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, 76 में आपका ये ब्याज की वार्षिक दर आपको यहाँ पर 9% हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक अधिकारियों को शामिल करने में सुझाव दिया था, स्वर्ण सिंह समिति, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, ठीक है, तो सर बी एन राव अंबेडकर थे, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा, 78 में आपको यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स एस एन मुखर्जी इसमें आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 79 में आप देख सकते हैं मिलान करना है, ठीक है, समानता का अधिकार किससे संबंधित है, ठीक है, समानता का अधिकार किससे संबंधित है, माना तो उसके जीवन स्वतंत्रता की सुरक्षा, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर बात करते हैं, नंबर वन क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 79, ठीक है, तो इसमें 79 में आपका जो राइट आंसर होगा बी वाला, ठीक है, तो बी वाला मतलब आपको यहाँ पर पहले में कौन सा होगा, सैन्य अधिकार शैक्षणिक को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिलान कर लेना है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। और इसके बाद ये पद्यांश दिया गया है, पद्यांश की बात करते हैं, इसको हम छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, तो पद्यांश को हम छोड़ते हैं, बात करते हैं डायरेक्ट 89 में, ठीक है, 89 वाले क्वेश्चन हम चेक करते हैं, ये रहा 89, ठीक है, तो 89 में आपको यहाँ पर अशोक उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है, वह दाहिनी ओर पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, और उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 12 मीटर दूरी चलता है, अशोक प्रारंभिक बिंदु से अब तक की निकटतम दूरी का पता लगाइए, ठीक है, तो निकटतम दूरी आपको लगाना है, पता लगानी है, तो कितनी होगी, 89 में आपको यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 20 मीटर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 मीटर। और इसके बाद नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी दिए गए हैं और इसका सीरीज बनाना है, तो इसका आपको यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, ए ए सी ए, ठीक है, ट्रिपल ए सी ए, अब बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वगंधा पौधे किस भाग को दवाई बनाने के लिए मुख्य प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो अश्वगंधा का कौन सा भाग है जिसको दवाई के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो 91 में आपको यहाँ पर प्राग कण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, ठीक है, तो 92 को हम छोड़ते हैं और चलते हैं 98 में, ठीक है, तो ये रहा आपका 98। वर्ष 2023-22-23 में के अनुसार दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, दूध उत्पादन में 2022-23 के अनुसार कौन सा स्थान है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा तीसरा स्थान, सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 99 का, जिसमें आपको यहाँ पर फिजिक्स को इस तरह से लिखा जाता है, तो आपको यहाँ पर इस तरह इसको किस तरह से लिखा जाएगा, तो किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, टी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं 100 वाल क्वेश्चन, ठीक है, तो 100 में आपको यहाँ पर देख सकते हैं संबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप मिलाना है, आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, क्यू प्लस मीन्स का आपको यहाँ पर देख सकते हैं, क्यू प्लस पी क्यू, पी प्लस क्यू का तात्पर्य पी क्यू का भाई है, पी गुणा क्यू का तात्पर्य पी गुणा क्यू की माता है, तो इस तरह से आप मिलान कर लेना है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 101 का क्वेश्चन, ठीक है। तो 101 में आपको यहाँ पर जो है राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था, राणा रतन, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है केला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केला देवी पड़ता है हमारा कहाँ पर, भरतपुर में, फिल से आपको यहाँ पर दोबारा आया वहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के समय राजस्थान की कितनी रियासतें थी, तो 19, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है, पिछली शिफ्ट में आ चुका है। छठे एशियाई ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में किसने रजत पद जीता है, रजत पद आपको यहाँ पर पदों से संबंधित क्वेश्चन भी हर बार रिपीट हो रहे हैं, तो सृष्टि कंडाली इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105वां भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर वाली जो लाइन है इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 105 में कहाँ पर है, कोलकाता में, ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है, ठीक है, विषय क्या है, तो 106 में आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, जैसे बताओ बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, विकसित भारत के लिए देसी प्रौद्योगिकी तकनीकी या फिर इंडियन टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, ठीक है, ये आपकी इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 107 को जोड़ते हैं हम चलते हैं और यहाँ पर आपका जो है 111वां क्वेश्चन, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ठीक है। पहला शैक्षणिक उपग्रह है कौन सा है, के द्वारा कब छोड़ा गया है, पहला उपग्रह ग्रह कौन सा है और कब छोड़ा गया है वो आपको यहाँ पर इसका आंसर दिखाना है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर इंदु सेट हो जाएगा 2004 में, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालार वन के बारे में असत्य कथन कौन सा है, सी ऑप्शन, सालार वन राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, आपका जो है 112 में कौन सा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, आपका बी ऑप्शन होगा, टीका विशेष रूप में सिर्फ सालार वन में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसमें रीजनिंग का आपको देख लेना है, तो इसमें 114 में आपका जो राइट आंसर होने का पहला वाला, ठीक है, ये पहला वाला आपको देख लेना है, इस तरह का आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। और घड़ी दी गई है, ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट 115, तो इस 115 में आपको इस तरह से चिन्ह दिए गए हैं और नीचे दिखाए गए हैं, तो आपको यहाँ पर बताया गया कि विकल्पों में से सही अभिव्यक्ति का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन आया है, तो आपको मिलान कर लेना है, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका देख लेना है, ये सही होगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 121वां क्वेश्चन, 121वां सर्वनाम के मुख्य भेद होते हैं, ठीक है, तो मुख्य भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। और शुद्ध वर्तनी शब्द युक्त हैं, शुद्ध वर्तनी शब्द युक्त कौन सा है, ठीक है, पुरस्कार, पुरुषकार होता है, पुरस्कार, अधीन, महत्व, शासन, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर जो है अधीन भी सही है, महत्व भी सही है, पुरस्कार, पुरस्कार भी सही है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर इसमें राइट आंसर होगा, 122 में सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर 123 में पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा आएगा, गोला वाला आपको यहाँ पर देख लेना है, इस यहाँ पर कौन सा आएगा, ठीक है, तो 123 में आपको यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 261 आएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं 125वां क्वेश्चन, 125वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है, सॉरी कहाँ पर आ गया है? ये वाला 125, केरवा निर्माण निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयोगी है, केरवा निर्माण किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, उपयोगी है, तो 125 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, जाफरान केसर, ठीक है, ये भी आपका दोबारा रिपीट हुआ है, अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया था पहले वाले में, लेकिन इसी टॉपिक से आया है, ब्रिटिश द्वारा अवध के विलय के समय भारत का गवर्नर कौन था, ठीक है, भारत का गवर्नर, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर 126 में आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, अनुच्छेद 320, ठीक है,
ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो इसमें आपको 128 में हो जाएगा, अनुच्छेद 164 के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, 129वां अगस्त 2024 में भारत के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ठीक है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है, निर्वाचन आयुक्त थे। तो इसमें आपका फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मधुकर गुप्ता, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन के में किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो इसमें संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति को आरबीआई ने 2000 के करेंसी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा की गई थी? ठीक है, तो इसमें आपको मई 2023, तो 131 में आपका यहाँ पर हो जाएगा मई 2023, ठीक है, सी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर है जो 132वां क्वेश्चन है, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 132 में आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन है 50%, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो है बात करते हैं आपको यहाँ पर 141वां क्वेश्चन, ठीक है, 141वां क्वेश्चन है, कौन से विपरीत गुणों को मटर या फिर गार्डन पी पर मेंडल द्वारा अपने संस्करण को प्रयोग में नहीं किया गया था? ठीक है, तो इसमें जड़ का आकार, बीज का रंग, ठीक है, तो 141 में आपका जो राइट आंसर होगा जड़ का आकार हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतु को उत्पन्न करने का कारण नहीं है? 142 में आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आविशालुकता सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए, ठीक है। 143 में आपको यहाँ पर जाते हैं, पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पिरामिड कभी उल्टे नहीं होते हैं? तो 143 में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड। तो ये मैंने आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो मैं जो क्वेश्चन के एक्यूरेट आंसर मिले हैं वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, ठीक है। यदि आपको जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।